अंबेडकर नगर अहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम अलवर के सरिया में पारिवारिक जनों ने महिला को उतारा मौत के घाट। मृतक महिला प्रियंका गोंड के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का लगाया आरोप। मृतक के पिता राम आशीष गोंड निवासी गोरा गुजर थाना टांडा से ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। मायके वालों का आरोप है कि आए दिन पति अशोक कुमार ससुर सास व देवर द्वारा कम दहेज की बात को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। मृतक की शादी लगभग 4 वर्ष पहले हो चुकी थी। मायके वालों का आरोप है कि 26 मार्च को उसकी पुत्री की मारपीट कर फांसी पर लटकाकर और फिर सूचना दी गई। सूचना मिलने पर यशो अहरौली विवेक वर्मा अपने दलबल के साथ घटनास्थल का जायजा लेते हुए कहा कि इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अवश्य होगी। वहीं पर अहरौली प्रशासन मृत्यु बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया। ये जानकारी आपको पहले से थी, लड़की दी थी आपको? हाँ। कब की घटना है? रात की? हाँ, रात की जो हमें 8 बजे कुछ मिनट पर सूचना मिली तो हम फोन की थी सुबह, हमारे पास बोली बाबू माता से बात करा दो, तो हमने कहा भी बात में कर, हम आए नहीं घर पे, तो बोली ठीक है जब तब हम गए घर पर। उसके बाद फोन मिलाने लगे, किसी का फोन नहीं उठ रहा था, ना उसकी उठ रही थी ना उसके देवर का, कोई मतलब परिवार में आप फोन लगा रहे थे अपने घर से, फोन किसी का नहीं लग रहा? नहीं, किसी का नहीं लग रहा। उसको हमने बात हमसे बताया, बात की थी कि माँ से बात करा दो, हम कहे अभी घर पर नहीं, हम जा रहे हैं तो मिलाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो फिर गए तो मिलाने लगे, फोन घंटी जा रहा था, कोई फोन नहीं उठा रहा था, ना उसका देवर ना वो उठा रही थी। 12 बजे की बात है दिन में कल। अच्छा, कल दिन में 12 बजे की घटना कब की? रात की है। आपको क्या लग रहा है ऐसा क्या हुआ आपकी लड़की के साथ? ऐसा लग रहा है कि उसको मार के लटका दिया गया है। आपको लग रहा है कि मार के लटका दिया गया? परिवार वाले आपसे बातचीत हुई कुछ? परिवार वाले इनकी लड़की परिवार वाले से वहाँ कोई बात नहीं हुई, किसी से कोई बातें नहीं कर रहा था। सूचना गए थे हम लोग, सूचना ये आप लोग थाने पे दिए हैं? कौन दिया है? सूचना हम लोग दिए। पुलिस वाले गए थे वहाँ? हाँ, पुलिस वाले गए थे। क्या शासन दिए वहाँ? इसको यही कहा कि ठीक है जो होगा वो कार्रवाई हम करेंगे। तो आपको लग रहा है कि कौन कौन दोषी हैं उसमें, उनके परिवार के? उनके परिवार में ज़्यादा दोषी देवर और उनकी माँ है, सबसे खतरनाक यही दोनों हैं। अच्छा, देवर और उनकी माँ? हाँ, और वो भी उनसे बताती थी सब बात अपने पति से, लेकिन वो कहते थे रहा हुआ वहीं पर, मायके आने कहती थी तो वो भी नहीं आने देते थे। पति कहाँ रहते हैं? वो बॉम्बे रहते हैं। इतनी सारी बात हो गई, पति को जानकारी पहले से था या नहीं? हाँ, था पहले जानकारी था, बताते सब बातों से बताते। तो आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या सहयोग चाहिए प्रशासन से? क्या चाहिए आप? हमें यही सहयोग है, इंसाफ हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? राम आशीष गौड़। ये राम आशीष गौड़ हैं, अहरौली थाने अंतर्गत जो है इनकी लड़की को रात में मार के जो है फांसी लगा के मार के लटका दिया गया दीवार की खूंटी में। और इनका कहने का आरोप ये लग रहा है, लगा रहे हैं ये, कि ससुर और उसके देव लड़के जो है लड़की के देवर ये घटना किए हैं। सास देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।